a great, great vision for Aegis Housing. Ladies and gentlemen, let's welcome on stage the Managing Director, Mr. Gaurav, right here amongst us, to say a few words. Oh, there he is. All right. Welcome. Hi, how are you? Welcome, sir. Congratulations on another new venture. Welcome everyone here. Thank you all for coming. आप लोग यूपी से आए हैं, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, हर जगह से आए हैं. Thank you very much. मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा. कम बातों में ज़्यादा कहने की आदत है मेरी. एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा आपको. सुकरात, जिसको अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहते हैं, विश्व के वन ऑफ द टॉप फिलोसफर्स में उनका नाम आ रहा है. वन ऑफ द greatest intelligent person that the world has ever had. उनकी महानता का अंदाजा आपको इससे होगा कि उनके जो शिष्य थे वो अफलातून थे. अफलातून की मिसाल हिंदुस्तान में अक्सर दी जाती है. इसको एरिस्टोटल कहते हैं अंग्रेजी में, पर आप शायद जानो कि हिंदी में ज़्यादा अफलातूनी मत कीजिए, मतलब ज़्यादा समझदारी मत कीजिए. अफलातून का मतलब समझदार. तो सुकरात के पास एक दिन एक नौजवान आते हैं. वो कहते हैं, जनाब आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने इंटेलिजेंट, इतने बड़े फिलोसोफर हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे. मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस, कामयाबी का रहस्य क्या है. सुकरात उस नौजवान को कहते हैं कि आप मुझे सुबह 7 बजे दरिया किनारे मिलिए, मैं आपको वहां बताऊंगा. तो सुबह 7 बजे वो नौजवान दरिया किनारे पहुंचता है. एंड सुकरात इज ऑल्सो देयर. एंड सुकरात आस्क्स हिम टू डू अ वेरी वियर्ड थिंग. वो कहते हैं कि आप जरा पानी में डुबकी लगाइए. वो नौजवान पानी में डुबकी लगाते हैं तो सुकरात उनका सर पानी में दबा देते हैं. जब देखते हैं कि उस नौजवान का चेहरा नीला पड़ने लगा तो सुकरात सर बाहर आने देते हैं, छोड़ देते हैं. तो नौजवान हक्का बक्का होकर के पूछता है कि जनाब मैंने तो आपसे कामयाबी का रहस्य पूछा था, आपने तो मेरी जान ही ले ली. तो कहते हैं इसका एक कारण था जो ये मैंने आपका सर पानी में दबाया. उसका कारण मैं आपको बताऊंगा. जब मैंने आपका सर पानी में दबाया था तो आप क्या एक चीज थी जिसके लिए आप तड़प रहे थे, जो इसकी आपके मन में चाहत आ रही थी. नौजवान कहते हैं, जी मैं सांस लेना चाहता था. आई वॉन्ट टू ब्रीथ, आई वॉन्ट ऑक्सीजन. मैं सांस लेना चाहता था जब. अरे और किस तड़प से लेना चाहते थे? अरे बहुत गहरी तड़प थी, बहुत जुस्तजू थी कि लेना चाहता था सांस. अरे अगर यही तड़प तुम्हारे मन में कामयाबी के लिए आ जाए तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी. यही जुनून, यही जुस्तजू अगर तुम्हारे दिल में कामयाबी के लिए आ जाएगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती. तो 2003 में मैं अपने मकसद से वाकिफ हुआ. मेरा मकसद था कि मैं क्वालिटी को हाईएस्ट रखते हुए मकानों की कीमतें कम करना चाहता हूँ, किसी तरह से कि कॉस्ट कम करूं, सो दैट मैं आप लोगों को एक कंपेटिटिव प्राइस पे, एक लो प्राइस पे अच्छे मकान दे पाऊं. उसकी स्टडी करने के लिए मैं विदेश का, आई वेंट टू अमेरिका, आई वेंट टू one of the best universities in the world. And कई सालों की research हुई. I worked in a project, 7,000 crore का project था. And our task in the project was कि हमें जो हमारे client थे उनको मुनाफा करा के देना था cost cutting के द्वारा, quality high रखते हुए, quality को constant रखते हुए, stable रखते हुए. अब cost कम करी जाए तो वो wastage कम करने से होती है, cost of input. सो दैट उनका भी यही गोल था कि वो अफोर्डेबल मकान बनाना चाहते थे, हाई क्वालिटी. हमने 3 सालों में उस कंपनी को 1230 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट. व्हेन आई अचीव दैट लेवल, मुझे ये लगा कि मैं निर्दोष विदेशियों के लिए, गोरों के लिए काम कर रहा हूँ. अब मैं इंडिया जाकर के why not do the same thing for my own brothers and sisters in India, कि highest quality के ऊपर उनको मैं क्यों ना कम दामों पे
मकान प्रोवाइड कर सके। आई केम बैक टू इंडिया, जिस ख्वाब का बीज 2003 में बोया गया था, एजिस की शुरुआत हुई, उस दरख्त के अब फल लग रहे हैं, वो फल आप लोग हम सब मिलकर के एंजॉय करेंगे, विच इज हाई क्वालिटी हाउसेस ऑन वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। तो जनाब, अगर जुनून हो, अगर जज्बा हो, अगर जस्तजू हो, तो कुछ भी हासिल करना इम्पॉसिबल नहीं होता। अपना जुनून कायम रखिए, कोशिश करते रहिए, भगवान करेगा आपका इसी बार लकी ड्रॉ में निकलेगा अपार्टमेंट। इस बार नहीं निकला तो हिम्मत मत हारिए, हौसला बुलंद रखिए, कोशिश करती रहिए, कामयाबी आपके कदम जरूर चुमेगी। धन्यवाद। थैंक यू गौरव सर। एंड गौरव सर, जरा इतना ही, आपको मुझे ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा, आप मेरे पास आओ, एक सेकंड लीजिए। गौरव सर ने जितनी भी बातें आप लोगों के साथ शेयर की, उन्होंने जो अपनी बातें आप लोगों को एग्जैक्टली बताने की कोशिश की, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि आज की डेट पे हर आदमी बहुत समझदार है, एवरी पर्सन हैज हिज ओन ओपिनियन, बट इन सब चीजों के बावजूद अभी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन थी इनकी तरफ से। अब मैं चाहता हूं एक इंफॉर्मेशन, इन सारी बातों का एक कंक्लूजन आपकी तरफ से है, क्या आप गौरव सर के साथ हैं? अपनी तालियों से जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू ऑल। आई लव यू। थैंक यू गौरव। हाउ कैन आई लेट यू गो लाइक दिस विदाउट टॉकिंग टू योर स्टेज? इज दैट पॉसिबल? नो, कैन आई प्लीज हैव वर्क? थैंक यू। बस गौरव, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात कर लूं तो ठीक है? जी 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 जनाब, उर्दू में भी कहिए, पंजाबी में भी कहिए, हमारे यहां सब समझते हैं, हमारे ऑडियंस सब समझते हैं। फर्स्टली आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू जनाब। थैंक यू। हाउ इज इट गोइंग? इट्स गोइंग वेरी वेल। गॉड हैज बीन वेरी काइंड। वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। वी आर लीडिंग इन द मार्केट एट एवरी लेवल। हम बेस्ट प्राइसेस के ऊपर हाईएस्ट क्वालिटी मकान लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो भगवान की नजर है हमारे ऊपर, सब ठीक हो पा रहा है। And most importantly, on time. On time. That is one on most time. Important. Delivery on time. तो सबके जवान में, सबके जहन में एक सवाल है कि expansion का क्या plan है? Expansion next. See, हमारा goal रहता है कि हम prime land parcels competitive rate पे procure करें. तो we are looking at different land parcels across Haryana and Punjab. अब वी हैड ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट बिल्डर्स कि आप हमारे साथ आकर के जुड़िए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, जो टेक्निक्स आपने सीखी हैं विदेश से वो हमें भी नॉलेज ट्रांसफर करिए। बट जैसे कि आप समझते हैं, आप जानते हैं कि कोई शेफ अपनी अपनी डिश का जिसकी सीक्रेट रेसिपी किसी को नहीं देता, तो हम हर किसी के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। हम अपना इंडिविजुअल प्राइवेट लैंड पार्सल एक्वायर करेंगे। Even though we had offers from Amritsar, we had offers from Dehradun, we have offers from Pune, we have offers from all sorts of builders of very high level. ऐसे builder भी हैं जो जिनका annual turnover 30,000 crore है, they have invited us कि आप हमारे साथ मिलके काम करिए, give us this knowledge जो आपने जिसके ऊपर research करी है, and work with us. But हम अपना land parcel अगला शायद ब्यास में लेके आएंगे या फिर गुजरात में लेके आएंगे। Fantastic. That is an insight जो शायद आपने पहली बार यहाँ पर दिया है। एक डिफिकल्ट सा सवाल है, यू नो, आई डोंट मीन टू पुट यू ऑन द स्पॉट फॉर दिस, लेकिन एक ऐसा बज़ है कि जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो एनवायरनमेंट है, इस टाइम एक स्टैग्नेंट पोजीशन पर पहुंच गया है और डर है कि थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है। तो ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। ये इस सवाल को मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा, हमें मुझे जानता हूं कि दिमाग इधर उधर भटकता है, बट ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वॉरेन बुफे, दुनिया के सबसे टॉप रिचेस्ट आदमी वॉरेन बुफे नाम है उनका, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया, उन्होंने आज तक कोई बिजनेस खुद नहीं करा, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया। और वो हमें एक ज्ञान, अपना सीक्रेट बता करके गए थे। उनका ये कहना था कि जब सब लोग डरे बैठे हो तब खरीदना चाहिए, क्योंकि तब प्राइसेस कम होते हैं, और जब सब लोग खरीद रहे हो, जब पूरी मार्केट के उस टाइम आप शांत बैठिए, जब मार्केट में आपको लगे कि अब इन्वेस्टर नहीं खरीदता, उस टाइम प्राइसेस स्टैग्नेंट है बट तेजी ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये राइट टाइम है खरीदने का। जब ऊपर जाएंगे, जब बहुत तेजी से ऊपर जा रहे होंगे, तब आप बेचिए,
Because then you will be able to book the profit, earn the profit, and make money on it. This is an investment advice. And that's exactly the kind of confidence and answer that I was looking for. You can take a real estate bar me itna kuch janta nahi hu, main investment bar me bhi itna kuch nahi janta hu. Lekin is waqt jo aapne simply ek jo hame dhyan diya hai ki buy low, sell high. Buy low and sell high. Kam pe khareede, zyada pe beche, investment mein profit book kijiye. Well, I wish you all the best and thank you for being a friend and a person that I can absolutely look up to and follow the lead of. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Gaurav. Thank you very much. Please, give him a big hand.